एनबीए अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उधम सिंह नगर में एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यहां काशीपुर की हिंदू धर्म की दो सगी बहनों ने अपनी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए लगभग 2 बीघा जमीन ईदगाह के नाम कर दी है, लेकिन खबरें आ रही है कि दोनों बहनें अब इस बात से मुकर रही कि उन्होंने 2 बीघा जमीन जो है ईदगाह को यहाँ पर दान की है। क्या कुछ है पूरा मामला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कुछ दिन पहले कुछ वेबसाइट्स में खबर आती है कि काशीपुर में दो सगी बहनों ने अपनी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ईदगाह को लगभग 2 बीघा जमीन दान कर दी है, लेकिन अब वो बहनें ना ही कैमरे के सामने आ रही हैं और ना ही ये कबूल कर रही हैं कि उन्होंने जमीन ईदगाह को दी। जब वहाँ के स्थानीय पत्रकार से हमारे सहयोगी ने उन बहनों से बात करने के लिए कहा तो उन बहनों ने क्या जवाब दिया, आइए सुनिए। नमस्ते भैया। जी मैं बोल रहा हूँ, रिपोर्टर बोल रहा हूँ काशीपुर से ना, मीडिया से। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है अभी और बहुत अच्छा सभी पेपरों में छपा है माध्यम से। तो हमारी एक मैगजीन निकलती है तो उसमें थोड़ा सा इंटरव्यू लिया था। आपने जो जमीन दान करी है ना ईदगाह की, तो उसके लिए दो शब्द अपनी तरफ से आप क्या जनता को बताना चाह रहे हैं, नोट कर लेते थोड़ा। अरे भैया क्या दान दिए हमने, तो कुछ दान वान ना दिए, जमीन क्या दान देना। अच्छा अच्छा, ना पेपरों में तो आया था, आपने देखा होगा अमर उजाला वगैरह में सब में ना। हाँ अमर उजाला में वो अमर उजाला वाले ले गए, वो उन्होंने छाप दिया। अच्छा, अपने आप तो फिर उन्होंने तो वॉलंटरी भी कर ली, हमने देखा इसके दिन वहाँ पे। अरे वो तो करेंगे। अच्छा, आपके द्वारा कोई जान ले दिया गया? नहीं नहीं। तो आप कौन साहब वो है ना इनकी सिस्टर अपने जो यहाँ पे थे हमारे बुजुर्ग दस्त होगी जी, आप बाहर कहीं रहते हैं ना? नहीं हम तो यही रहते हैं। अच्छा आप यही रहते हैं, राकेश जी जो रस्तोगी जी उनके यहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ हाँ, उनकी भाई। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनकी बहनों का फोटो आया था शायद अखबार में ना। हाँ हाँ, तो आप क्या है? अच्छा, तो आपने सुना कि कैसे साफ मुकरती दिख रही हैं बहनें। सवाल अब ये कि आखिर ये बहनें मुकर क्यों रही हैं, क्योंकि जैसा आपने सुना कि ये खुद बता रही हैं कि अमर उजाला वाले खबर लेकर गए थे, लेकिन अब वो क्यों मुकर गई हैं? आपको बता दें कि बहनें कैमरे के सामने आने से भी कतरा रही थीं। खबरें अब ये भी हैं कि अब ये दोनों बहनें दिल्ली और मेरठ के लिए निकल चुकी हैं। दोनों बहनों ने जब अधिक कीमत की अपनी 2 बीघा जमीन 1 मई को ईद के त्योहार से पहले ईदगाह को दान दी तो ये खबर क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। इन बहनों के दान ने मुस्लिम समाज के दिल को छू लिया है और उन्होंने भी मंगलवार यानी ईद के दिन दिवंगत ब्रजनंदन प्रसाद रस्तोगी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। एक तरफ देश के विभिन्न हिस्सों से आ रही सांप्रदायिक तनाव की खबरों के बीच दो बहनों की उदारता उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में चर्चा का विषय बन गया, तो वहीं दूसरी तरफ बहनों के भाग जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हसीन खान ने बताया कि 20 वर्ष पहले स्वर्गवासी हो चुके ब्रजनंदन प्रसाद रस्तोगी ने अपनी बेटियों को बताया था कि वो अपनी कुछ कृषि भूमि का हिस्सा नजदीकी बनी ईदगाह के लिए दान देना चाहते हैं। नहीं ऐसा कोई, मैं पहले बात आपको बता दूं, मैं काशीपुर ईदगाह कमेटी का अध्यक्ष हसीन खान हूँ और ये जो जगह है ये हमारी ईदगाह से लगी हुई है और ये हमारे पूर्वजों के समय से ही उन परिवार से संबंध रहे हैं और उन्होंने जो ब्रजनंदन प्रसाद रस्तोगी जी थे उन्होंने अपने मरने से पहले भी हम लोगों को ये बात कही थी कि ईदगाह को जगह मैं दूंगा। हमारे जो हमसे पहले जो अध्यक्ष रहे या और लोग रहे उन लोगों ने भी उनसे इस बात की डिमांड रखी थी, तो उनकी खेती बाड़ियाँ हुआ करती थी, उन्होंने कहा जब मैं खेती बाड़ी से ख़त्म करूँगा तो मेरी जगह मैं आपको ईदगाह को दे दूँगा। और उसमें पहले से भी 2-4-5-7 साल से उनके कहे अनुसार उसमें उनकी इजाज़त के साथ हम लोग यहाँ पर नमाज अदा करते चले आए हैं। अब ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष की बातों में कितनी सच्चाई है और बहनों के इस तरह से मुकर जाने से और वहां से चले जाने से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सब के पीछे सच्चाई क्या कुछ है ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा की रिपोर्ट।